जनता की चुनी हुई सरकार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आज हम लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमारे सारे दाग धुल जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है यही ईडी और इन सब के द्वारा हम परेशान किए सिद्ध हो जाता है कि सीएम ने अपना पद का दुरुपयोग किया है, तो इस पे विकल्प क्या रहा? मुझे लगता है कि डिसीजन को भी आने दिया जाए, और जहां तक मुझे लगता है कि ये विकल्प और ये चर्चा और वो चर्चा मुझे लगता है बाहर ही हो रही है, पार्टी के अंदर तो अभी तक नहीं हुई। अगस्त की क्रांति चल रही है और अगस्त में जो है खेला हो जाएगा, इस तरह की जो ट्वीट वो लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वक्त सबसे बड़ा मुझे लगता है डिसाइडर होता है। मैं कुछ कह दूं या कोई कुछ कह दे, मुझे लगता है कि वक्त सबसे बढ़िया समय अपने आप जो है आने वाली परिस्थितियों को खोल दे। लेकिन मुझे लगता है कि ये ईडी का प्रकरण पूरे देश को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से बदहाली की ओर हमारा देश जा रहा है कि मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं। जेएम के वरिष्ठ सांसद विजय हंसदा है सर, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से ईडी की दबिश चल रही है उस पर आपकी क्या राय है, पहले इस पर जानना चाहेंगे। राय मुझे लगता है कि सारे देशवासी देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से उन सभी राज्यों में अपने सेंट्रल एजेंसियों को भेज करके जो जनता की चुनी हुई सरकार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आज हम लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमारे सारे दाग धुल जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है यही ईडी और इन सब के द्वारा हम परेशान किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस कार्य के लिए हमें जनता ने चुना है उस चीज़ को बखूबी माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और करते रहेंगे। केंद्रीय एजेंसियां अपना दबाव बना रही है, जो अनियमितताएं जो पाई जा रही है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो अनियमितताएं पाई जा रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सर तथ्य जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से आप देखेंगे चाहे वो बात कर ले पंकज मिश्रा की बात कर लें या फिर और भी ऐसे कई जो चेहरे हैं उनमें जो अनियमितता निकल के आ रही है उस पर आपके क्या राय? कहीं ना कहीं तो ये तो सही नहीं हो रहा। कितनी अनियमितता आई है और मुझे लगता है कि जब तक कि जितने भी कि जिनके पास से पैसे रिकवर हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उनका जवाब का आने का इंतजार करना पड़ेगा। वो जो जवाब देंगे और क्या वो जवाब देंगे उस पर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ईडी का प्रकरण पूरे देश को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से बदहाली की ओर हमारा देश जा रहा है कि मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, इन सब चीज़ों पे कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत क्या हो रही है कि भाई कहाँ सरकार जो है हमारी नहीं, मैंने बीजेपी की सरकार नहीं है, कहाँ कैसे और किस तरह से उसे गिराना है। आज कहीं पे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात नहीं हो रही है, कहीं पे रोजगार की बात नहीं हो रही है, महंगाई है उस पे बात नहीं हो रही है। आज लगातार दाम की वृद्धि हरेक सेक्टर हरेक चीज़ों की बढ़ने के बावजूद लोग टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन है कि बीजेपी और आज केंद्र सरकार में जो है उनका मन नहीं भर रहा है टैक्स निचोड़ करके हम लोग को जो है पूरे देश को कंगाल करने के लिए तैयार हैं, और कई कई करोड़ रुपए जो है अपने बड़े बड़े जो पूंजीपति साथी हैं उनका माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो ये देश कैसे और किस तरह से चल रहा है मुझे लगता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक आरोप ये भी लग रहे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार पे जो केस चल रहा है सर, ये कहा जा रहा है कि उनको फंसाने के काम कर रहे हैं, और इसमें जो है बंगाल गवर्नमेंट हो चाहे झारखंड गवर्नमेंट हो दोनों की मिली भगत से जो है उनको इसलिए फंसाया गया है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो केस लड़ रहे थे शेल मामले में। अच्छा एक बात है कि मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ पैसे और कुछ ऑडियो एविडेंस है, तो मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। कौन किसको फंसा रहा है नहीं फंसा रहा है वो तो लास्ट में कानून तय करेगी। अगर एविडेंस के साथ अगर कुछ कोई व्यक्ति को अगर पकड़ा गया है तो मुझे लगता है कि कानून ये तय करेगी क्या सही और क्या गलत है। मौजूदा तो स्थिति है सर, जिस तरह से चुनाव की बात हो रही है क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रखर है और ये कह रही है कि अगर चुनाव का जो फैसला है वो अगर प्रतिकूल आता है मुख्यमंत्री के, तो क्या आप गठबंधन की जो सरकार है उसकी नैया सही से चलेगी या फिर क्या डगमगाएगी? गठबंधन की सरकार बिल्कुल मजबूती से चल रही है और आगे भी चलते रहेगी, उसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। और मैंने साफ कहा कि भाई माननीय हेमंत सोरेन जी अपना कार्य कर रहे हैं, जो जनता का मैंडेट उन्हें मिला उसके बुनियाद पे वो अपना काम करते चले जा रहे हैं और जनता के लिए लगातार अग्रसर हैं। एक आखिरी सवाल, अगर विकल्प की बात करें तो उसको लेकर के कुछ ट्रेजेडी जो है विकल्प किस चीज़ की विकल्प? अगर आयोग अगर अब ये सिद्ध हो जाता है कि सीएम ने अपना पद का दुरुपयोग किया है तो इस पे विकल्प क्या रहा? मुझे लगता है कि डिसीजन को भी आने दिया जाए,
और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये विकल्प और ये चर्चा और वो चर्चा मुझे लगता है बाहर ही हो रही है, पार्टी के अंदर तो अभी तक नहीं हुई है। आखिरी सवाल निशिकांत जी के जो ट्वीट है सर, अभी फिलहाल वरिष्ठ सांसद है और जिस तरह से जो लगातार ट्वीट करके जो सर लगातार हमलावर है, आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये अगस्त की क्रांति चल रही है और अगस्त में जो है खेला हो जाएगा, इस तरह की जो ट्वीट वो लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वक्त सबसे बड़ा मुझे लगता है डिसाइडर होता है, मैं कुछ कह दूं या कोई कुछ कह दे, मुझे लगता है कि वक्त सबसे बढ़िया समय अपने आप जो है आने वाली परिस्थितियों को खोल देगा।